राजधानी शिमला के विशप कॉटन स्कूल में आयोजित दो दिवसीय पीएल मोदी इंटर स्कूल इंग्लिश साहित्य प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन का उद्घाटन उत्साहपूर्वक किया गया। प्रतियोगिता में शिमला के 9 प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सेंट बीट्स कॉलेज के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुजा शर्मा ने शिरकत की। वहीं साहित्य सम्मेलन के विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनुजा शर्मा ने इस अवसर पर विद्यालय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार मिलता है और विद्यालय द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहना चाहिए। I am a former teacher of English from St. Bede's College, Shimla. Today I am here at BCS to witness this much acclaimed contest. These contests, they are such wonderful events and opportunities to shape the personalities of our children. I greatly encourage these extracurricular activities because they explore the other part of our children's personalities. Bishop Cotton School बहुत कुछ ऐसा करता है कि जिससे बच्चे they go beyond the standard curriculum of classrooms. Sports हैं, literary activities हैं, music है, every opportunity is given to a child to explore himself and find himself and his talent. विद्यालय में इंग्लिश अध्यापिका सुशीला प्रभुदास ने कहा कि वीएल मोदी ने विशप कॉटन स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। यह प्रतियोगिता उन्हीं की याद में आयोजित की जाती है और शिमला के बेहतरीन स्कूलों के विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। मेरा नाम सुशीला प्रभुदास है और मैं यहाँ पर विशप कॉटन स्कूल में इंग्लिश की अध्यापिका हूँ और हम इन दिनों ये बीएल मोदी एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं और ये हमारे पुराने टीचर जो हुआ करते थे मिस्टर बीएल मोदी, वो मैथमेटिक्स के टीचर थे यहाँ पर और काफ़ी साल पहले वो गुजर गए और उनकी याद में हम ये प्रतियोगिता करवाते हैं और शिमला के जो बेहतरीन स्कूल हैं सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपना जो टैलेंट है वो दिखाते हैं। इस साल 9 स्कूल यहाँ पे आए हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अपना जो एलोक्यूशन टैलेंट है वो दिखा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि शिमला के बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखाने का और प्राइजेस प्राप्त करने का।